और दिल्ली धमाके के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी एंगल से मामले की जांच जारी है, पाकिस्तानी एंगल भी खंगाल रही है पुलिस। धमाके से पहले जस्टिस लीग इंडिया का पोस्ट जो है वो वायरल हुआ था। पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर भी शक है, जांच एजेंसियों को नक्सलियों पर शक है, एक एक वीडियो खंगाला जा रहा है पुलिस की ओर से। गृह मंत्रालय को अभी फिलहाल रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। धमाके के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब छत पे कोई एक व्यक्ति मौजूद था, उसने कहा अपना कैमरा टेस्ट कर रहा था, और ये तस्वीरें जो है वो कैद हो जाती हैं। और ये वो सीसीटीवी जो बाउंड्री वॉल पर लगा था जिसमें धमाके की तस्वीरें जो है वो सामने आती है। आतंकी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कई एंगल से अनुज, देखिए पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है, अब तक की कौन सी बड़ी बात है? निश्चित तौर पर कई एंगल पर मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिसमें से टेरर एंगल को भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेस्टिव सीजन था और लगातार अलर्ट जारी था, जिसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ, तो कहीं ना कहीं टेरर एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट सामने आया, टेलीग्राम पर ये पोस्ट सामने आया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो पोस्ट था जस्टिस लीग इंडिया के नाम से ये पोस्ट वायरल हुआ था, ऐसे में खालिस्तानी लिंक को भी खंगालने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जो है बेस्ट टीमें कहा जा सकता है, तमाम एजेंसियों की, मल्टीपल एजेंसियां जो है वो इस पर लगी हुई है, लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। मौके से जो सफेद पाउडर और कटे हुए तार मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि एक सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध भी दिखे हैं, ऐसे में इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो कई एंगल पर फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें नक्सली एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर सीआरपीएफ की बात किया जाए तो पिछले कुछ महीनों में सीआरपीएफ ने देश भर में कई नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़े थे। साथ ही साथ जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, खासतौर पे रविवार का दिन था, सुबह का वक्त था, ऐसे में इसमें से की शरारत हो सकती है, क्या कोई मैसेज देने की कवायद थी? बिल्कुल, अभी जिस तरह से एक के बाद एक धमकियों का दौर जारी है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आगे को लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्क तमाम एजेंसियां नजर आ रही है। अनुज बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जांच एजेंसियां दिल्ली के रोहिणी में धमाके की तफ्तीश कर रही हैं। आपको दिखाते हैं मौके से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट। इस समय मैं रोहिणी के इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हूँ। कल सुबह यहाँ पे ही धमाका हुआ और आप देख सकते हैं धमाके की वजह से किस तरीके से जो आउटर बाउंड्री वॉल है वो डैमेज हो चुकी है, उसमें एक सुराख बन गया है। बताया जाता है कि ये लो इंटेंसिटी हाई इम्पैक्ट एक्सप्लोजन था और सुरक्षा एजेंसियां इस समय जांच कर रही है कि किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बताया जाता है कि एक क्रूड बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है। अभी इसमें जो दो थ्योरी जिसपे काम कर रही है, क्योंकि व्हाइट मटेरियल जो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों ने यहां से कलेक्ट किया, उससे या तो लगता है या तो अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन क्वालिटीज की बात करें, मेटल के साथ मिलते ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, और उस पर भी काम किया जा रहा है। इस समय फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो उस पर जुटी हुई है ये फाइंड आउट करने में कि किस किस्म का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते हैं हाई इम्पैक्ट इसलिए बताते हैं कि देखिए जब यहाँ पे धमाका होता है दीवार तो सुराख तो हो जाता है, उसके साथ साथ पास की जो दुकानें हैं दुकानों को भी काफी नुकसान हुए। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइन बोर्ड देख सकते हैं किस तरीके से ये साइन बोर्ड डैमेज हो चुका है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई कांच के शीशे भी वहां पे पड़े होंगे, तो मतलब कि नुकसान हुआ है। यानी कि धमाका काफी बड़ा था, लेकिन एक ही बात सही थी कि कल इतवार का दिन था, यहाँ पे स्कूल बंद था, और अगर स्कूल खुला होता तो शायद यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन धमाके में बताया जाता है कि कोई भी स्प्लिंटर नहीं था। यानी कि ये हो सकता है कि वार्निंग साइन हो सकता है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी तो सुरक्षा एजेंसी को लगता है कि या तो हो सकता है नक्सलवादी इस क्रूड बॉम्ब के पीछे हो, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सीआरपीएफ ने किस तरीके से अपने ऑपरेशन जो है नक्सलवादियों के खिलाफ तेज कर दिए हैं, जिसमें कई नक्सलवादी मारे भी गए हैं। और दूसरा ये भी लगता है कि हो सकता है कि खालिस्तानी संगठन का भी हाथ हो, क्योंकि एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिस पोस्ट में कहा गया है कि अगर आप अपनी एजेंसियों को हमें टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तरफ से एक रिटेलिएटरी अटैक होगा, यानी कि दूसरा अटैक भी हो सकता है। वो इसलिए कहा जा रहा है खालिस्तानी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि लगातार
लगातार खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि जो हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हमें टारगेट कर रही हैं कनाडा में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो इसलिए खालिस्तानी जो संगठन है उस पर भी जो है शक के दायरे की जो सुई आती है उन पर भी होती है। धमाके के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी एंगल से मामले की जांच जारी है, खालिस्तानी एंगल भी खंगाल रही है पुलिस। धमाके से पहले जस्टिस लीग इंडिया का पोस्ट जो है वो वायरल हुआ था। पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर भी शक है, जांच एजेंसियों को नक्सलियों पर शक है, एक वीडियो खंगाला जा रहा है पुलिस की ओर से। गृह मंत्रालय को अभी फिलहाल रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। धमाके के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब छत पे कोई एक व्यक्ति मौजूद था, उसने कहा अपना कैमरा टेस्ट कर रहा था, और ये तस्वीरें जो है वो कैद हो जाती हैं, और ये वो सीसीटीवी जो बाउंड्री वॉल पर लगा था जिसमें धमाके की तस्वीरें जो है वो सामने आती है। आतंकी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं कई एंगल से। अनुज देखिए, पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है, अब तक की कौन सी बड़ी बात है? जी निश्चित तौर पर कई एंगल पर मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिसमें से टेरर एंगल को भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेस्टिव सीजन था और लगातार अलर्ट जारी था, जिसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ, तो कहीं ना कहीं टेरर एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट सामने आया, टेलीग्राम पर ये पोस्ट सामने आया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो पोस्ट था जस्टिस लीग इंडिया के नाम से ये पोस्ट वायरल हुआ था, ऐसे में खालिस्तानी लिंक को भी खंगालने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जो है बेस्ट टीमें कहा जा सकता है, तमाम एजेंसियों की, मल्टीपल एजेंसियां जो है वो इस पर लगी हुई है, लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। मौके से जो सफेद पाउडर और कटे हुए तार मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि एक सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध भी दिखे हैं, ऐसे में इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो कई एंगल पर फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें नक्सली एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर सीआरपीएफ की बात किया जाए तो पिछले कुछ महीनों में सीआरपीएफ ने देश भर में कई नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़े थे। साथ ही साथ जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, खासतौर पे रविवार का दिन था, सुबह का वक्त था, ऐसे में इसमें की शरारत हो सकती है, क्या कोई मैसेज देने की कवायद थी? अभी जिस तरह से एक के बाद एक धमकियों का दौर जारी है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आगे को लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्क तमाम एजेंसियां नजर आ रही हैं। अनुज बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जांच एजेंसियां दिल्ली के रोहिणी में धमाके की तफ्तीश कर रही है। आपको दिखाते हैं मौके से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट। इस समय मैं रोहिणी के इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हूँ। कल सुबह यहाँ पे ही धमाका हुआ और आप देख सकते हैं धमाके की वजह से किस तरीके से जो आउटर बाउंड्री वॉल है वो डैमेज हो चुकी है, उसमें एक सुराख बन गया है। बताया जाता है कि ये लो इंटेंसिटी हाई इंपैक्ट एक्सप्लोजन था, और सुरक्षा एजेंसियां इस समय जांच कर रही है कि किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बताया जाता है कि एक क्रूड बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है। अभी इसमें जो दो थ्योरी जिसपे काम कर रही है, क्योंकि व्हाइट मटेरियल जो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों ने यहां से कलेक्ट किया, उससे या तो लगता है या तो अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन क्वालिटीज की बात करें, मेटल के साथ मिलते ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, और उस पर भी काम किया जा रहा है। इस समय फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो उस पर जुटी हुई है ये फाइंड आउट करने में कि किस किस्म का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते हैं हाई इम्पैक्ट इसलिए बताते हैं कि देखिए, जब यहाँ पे धमाका होता है दीवार तो सुराख तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ पास की जो दुकानें हैं दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइन बोर्ड देख सकते हैं किस तरीके से ये साइन बोर्ड डैमेज हो चुका है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई कांच के शीशे भी वहां पे पड़े होंगे, तो मतलब कि नुकसान हुआ है, यानी कि धमाका काफी बड़ा था। लेकिन एक ही बात सही थी कि कल इतवार का दिन था, यहाँ पे स्कूल बंद था, और अगर स्कूल खुला होता तो शायद यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन धमाके में बताया जाता है कि कोई भी स्प्लिंटर नहीं था, यानी कि ये हो सकता है कि वार्निंग साइन हो सकता है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी तो सुरक्षा एजेंसी को लगता है कि या तो हो सकता है नक्सलवादी इस क्रूड बॉम्ब के पीछे हों, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सीआरपीएफ ने किस तरीके से अपने ऑपरेशन जो है नक्सलवादियों के खिलाफ तेज कर दिए हैं, जिसमें कई नक्सलवादी मारे भी गए हैं, और दूसरा ये भी लगता है कि हो सकता है कोई खालिस्तानी संगठन का भी हाथ हो, क्योंकि एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे
वायरल हुआ है, जिस पोस्ट में कहा गया है कि अगर आप अपनी एजेंसियों को हमें टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तरफ से एक रिटेलिएटरी अटैक होगा, यानी कि दूसरा अटैक भी हो सकता है। वो इसलिए कहा जा रहा है खालिस्तानी क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि लगातार खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि जो हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हमें टारगेट कर रही हैं कनाडा में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो इसलिए खालिस्तानी जो संगठन है उस पर भी जो है शक के दायरे की जो सुई आती है उन पर भी होती है।